आज की बड़ी खबर से किसी देश की कंपनी को सबसे ज्यादा नुकसान होने वाला है तो वो है चीन, क्योंकि एक भारतीय कंपनी ने अफ्रीका में चाइनीज कंपनी से मुकाबला करने का मन बना लिया है। बजाज टीवीएस और हीरो के टू व्हीलर पहले से 200 से ज्यादा चाइनीज कंपनी को अफ्रीका से बाहर निकालने में कामयाब हो चुके हैं। बचा हुआ कार्य ये भारतीय कंपनी पूरा कर देगी, क्योंकि अभी तक इलेक्ट्रिक टू व्हीलर बाजार में चाइनीज कंपनी टिकी हुई थी, लेकिन अब इस बाजार में अपना अधिकार जमाने के लिए भारतीय टू व्हीलर मैन्युफैक्चरर कदम रखने जा रही है। वन इलेक्ट्रिक भारत में बनी अपनी इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल का निर्यात बहुत से देशों को करना शुरू कर चुकी है, जिसमें अफ्रीका के 5 देश भी आते हैं। और अपनी बढ़िया क्वालिटी और हाई परफॉर्मेंस के कारण इन अफ्रीकन देशों में भारतीय बाइक को अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है, जिसके कारण न केवल अपने निजी इस्तेमाल बल्कि डिलीवरी और बाइक टैक्सी की तरह इस कंपनी के इलेक्ट्रिक बाइक कीनिया में बिक रही है। मुख्य खबर ये है कि पहली बार वन इलेक्ट्रिक बाइक अपनी एक स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कीनिया में स्थापित करने वाली है। अच्छी बात ये है कि हब मोटर और बैटरी कंट्रोलर जैसे क्रिटिकल कंपोनेंट्स भारत से सप्लाई किए जाएंगे। शुरुआत में हैंडल बार स्टैंड और कैरियर जैसे पार्ट कीनिया के स्थानीय मैन्युफैक्चरर से सोर्स किए जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे कीनिया में बनी बाइक्स के लोकलाइजेशन में बढ़ोतरी की जाएगी। वन इलेक्ट्रिक ने मीडिया के एक इंटरव्यू में बताया कि इस साल के लास्ट तक एक बैटरी असेंबली यूनिट कीनिया में स्थापित की जाएगी। कीनिया में ये पहली भारतीय कंपनी होगी जो टू व्हीलर स्थानीय तौर पर मैन्युफैक्चरर करेगी। अफ्रीका के देशों में चाइनीज कंपनी अपने इलेक्ट्रिक टू व्हीलर का बाजार खड़ा कर चुकी है और काफी तेजी से इन देशों में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का इलेक्ट्रिफिकेशन किया जा रहा है। अब ये कह पाना कठिन है कि इस कंपनी को भारतीय बाजार में कैसी प्रतिक्रिया मिली, क्योंकि भारत के अलावा अफ्रीकन देश को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने का एक ही मकसद हो सकता है कि ये ब्रांड भारतीय बाजार से अधिक दूसरे देशों के बाजार में अच्छा रिस्पॉन्स दे रही है। कीनिया और अफ्रीका के कई देशों की सड़कों और मौसम की स्थिति भारत से मेल खाती है और जनरली भारतीय ऑटोमोबाइल को टफ रोड कंडीशन के हिसाब से डिजाइन और डेवलप किया जाता है। यही कारण है कि जहां पर चाइनीज टू व्हीलर कुछ समय के बाद हार मान जाते हैं, वहीं भारतीय टू व्हीलर को खराब रास्तों में भी हैवी लोड कैरी करने के लिए डिजाइन किया जाता है। भारतीय टू व्हीलर की ड्यूरेबिलिटी भी एक रीजन है कि बजाज हीरो और टीवीएस कई सालों तक अफ्रीकन देशों में रुक सकी और चाइनीज कंपनी को इस बाजार से बाहर निकाल दिया। वन इलेक्ट्रिक कंपनी को लेकर कुछ ऐसे संदेह हैं जिनको लेकर हमारे लिए डाइजेस्ट कर पाना थोड़ा कठिन है, जैसे कि इनकी वेबसाइट पर कॉन्टेक्ट डिटेल के नाम पर केवल एक ईमेल एड्रेस ही दिया गया है। इसको लेकर कोई भी जानकारी मौजूद नहीं है कि इनका ऑफिस या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहां पर है। इसलिए हमारे हिसाब से वन इलेक्ट्रिक बाइक को पूरे तरीके से मेड इन इंडिया कह पाना कठिन है। वैसे इस खबर के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।